तो दोस्तों आज 16 मई 2020 शनिवार का दिन हो चुका है, तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज शिक्षा विभाग से जुड़ी कुछ ताज़ा खबरों की और कुछ बड़ी खबरों की। CBSE अपनी शेष रही परीक्षाओं की तारीखें घोषित करके अब इसकी गाइडलाइन बनाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अब तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुँच पाया है। आपको बता दें, बोर्ड का मानना है कि वर्तमान हालातों को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग से भी 10वीं बोर्ड की परीक्षा कराना संभव नहीं है। हालांकि 12वीं के मुख्य पेपर हो चुके, ऐसे में 12वीं की परीक्षाएं हो सकती हैं। 10वीं बोर्ड में 11 लाख छात्र और 5000 से अधिक परीक्षा केंद्र हैं, ऐसे में केंद्रों की संख्या बढ़ाए बिना परीक्षा संभव नहीं हो सकती। परीक्षाओं को लेकर बोर्ड अध्यक्ष व शिक्षा मंत्री के बीच शनिवार को मंथन किया जाएगा। इसके बाद ही बोर्ड पहले 12वीं की परीक्षाएँ आयोजित करवाएगा। 10वीं की परीक्षाओं को लेकर अभी और समय लग सकता है। आपको बता दें, बोर्ड का मानना है कि परीक्षाओं के दौरान 2 मीटर की दूरी रहेगी और सैनिटाइज करने पर भी फोकस रहेगा। 10वीं में छात्रों की संख्या अधिक होने के कारण सोशल डिस्टेंसिंग में बड़ी दिक्कत आ रही है। NTA द्वारा नीट UG 2020 के छात्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन में सुधार का एक और मौका दिया गया है। आपको बता दें, NTA की वेबसाइट पर त्रुटि सुधार से संबंधित एक नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस के आधार पर सुधार का यह कार्य 15 मई से प्रारंभ हो चुका है और इसे 31 मई शाम 5 बजे तक किया जा सकता है। आपको बता दें, 11 भाषाओं में ऑफलाइन होने वाली नीट में 16 लाख छात्र बैठेंगे। अब सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए 1.28 लाख कक्षा कक्ष आवश्यक होंगे। 2.56 लाख निरीक्षकों की आवश्यकता होगी। निरीक्षकों की संख्या तो बढ़ाई जा सकती है, परीक्षा में 6000 ऑब्जर्वर्स की भी जरूरत पड़ सकती है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने RS भर्ती परीक्षा 2018 की मुख्य परीक्षा का परिणाम अब तक जारी नहीं किया है। प्रदेश के 18,000 अभ्यर्थी अभी भी परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। इस परीक्षा का मामला हाईकोर्ट में लंबित और आयोग परिणाम जारी करने के लिए कोर्ट की अनुमति का इंतजार कर रहा है। आयोग ने मुख्य परीक्षा का आयोजन पिछले वर्ष 25 से 26 जून को किया था। इसको 11 महीने बीत चुके, लेकिन अभी तक अभ्यर्थियों को इसके परिणाम का इंतजार है। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में स्टूडेंट्स को कोर्स के अनुरूप ई कंटेंट उपलब्ध करवाने और परीक्षा आयोजित करने के मद्देनज़र संसाधनों और स्थिति का अध्ययन करने के उद्देश्य से 2 कमेटियों का गठन किया गया है। कुलपति प्रोफेसर RP सिंह ने बताया कि ये कमेटियाँ शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट देंगी। प्रोफेसर सिंह ने इस संबंध में शुक्रवार को सभी डीन डायरेक्टर से दूरभाष पर चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। शिक्षा विभाग में जुलाई से शुरू होने वाले नए शिक्षा सत्र से पहले रिक्त पद भरने के लिए चयन वर्ष 2020-21 की DPC करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। DPC के लिए पात्रता सूचियां जारी कर अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक और उप निदेशक पदों पर संभावित चयनित होने वालों से 22 मई तक आपत्तियां मांगी गई हैं। वहीं आपको बता दें, जिला शिक्षा अधिकारी के 203 पद रिक्त हैं, लेकिन कुल पदों में से 50% सीधी भर्ती के लिए होने के कारण DPC की पात्रता जारी नहीं हो पा रही है। लॉकडाउन में अब तक ड्यूटी कर रहे शिक्षकों को राहत पर PO को नहीं। आपको बता दें, कोविड-19 में अब तक ड्यूटी कर रहे शिक्षकों को राहत देने के लिए शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए, लेकिन PEOs को इसके लिए अभी तक कोई राहत नहीं दी गई है। राजस्थान राजपत्रित अधिकारी संघ की ओर से लॉकडाउन अवधि में PEO के रूप में कार्य कर रहे कार्मिकों को राहत देने की मांग की गई है। इस संबंध में संघ की ओर से मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और निदेशक को ज्ञापन भी सौंपा गया है। ज्ञापन में बताया गया है कि विगत 60 दिनों से लॉकडाउन अवधि में वे सभी प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य कर रहे थे, जिनके ऊपर PEO का पदभार था। एकीकरण से मुक्त होंगे स्कूल तो ही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगी। शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने सरकारी स्कूलों को एकीकरण से मुक्त करने की मांग उठाई है, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए आगामी शिक्षण सत्र में पढ़ाई सुचारू रूप से हो सके। ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चों में बढ़ रही ड्राई आईज की समस्या। डॉक्टर बोले, आंखों में पानी के छींटे न मारे, हो सकता है बड़ा नुकसान। जब से लॉकडाउन के कारण स्कूल कॉलेज बंद हुए, बच्चों का ज़्यादातर काम लैपटॉप, मोबाइल और iPad पर हो रहा है। आम दिनों में आधा या 1 घंटे मोबाइल चलाने वाले बच्चे आजकल रोजाना 4 से 5 घंटे मोबाइल के साथ बिता रहे हैं। इसके चलते पेरेंट्स को 2 तरह की चिंता परेशान किए हुए है। इसमें पहली तो ये कि यदि वे बच्चों को मोबाइल लैपटॉप का उपयोग बंद करने के लिए कहेंगे तो उसका असर उनकी पढ़ाई पर पड़ेगा। दूसरी ओर यह कि यदि वे उन्हें इन गैजेट्स के उपयोग से नहीं रोकेंगे तो उन्हें आँख संबंधी समस्या जल्दी हो सकती है। CBSE में आर्ट्स से जुड़ेंगे सब्जेक्ट, पढ़ाई होगी मजेदार। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन नए सेशन 2020-21 से क्लास 1 से 10th के स्टूडेंट्स के बीच आर्ट्स से जुड़ी लर्निंग को बढ़ावा देंगे। HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्विटर कर कहा कि राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के लिए कम से कम एक प्रोजेक्ट एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम पर आधारित होगा। CBSE की तरफ से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक क्लास 1 से लेकर 8 तक के स्टूडेंट आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट कवर करेंगे।
तो साथियों ये थी आज 16 मई 2020 से जुड़ी शिक्षा विभाग की कुछ बड़ी खबरें। शिक्षा विभाग से जुड़ी प्रत्येक बड़ी खबर के लिए लगातार बने रही हमारे चैनल के साथ में और प्रत्येक अपडेट का नोटिफिकेशन लगातार आप तक पहुँचता रहे, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। आज की इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।